हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोनी मंत्री। आज हम हमारे चैप्टर में देखने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक है जो है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप एंड हेयर ब्लीडिंग। कि भाई जो ब्लड ग्रुप होता है वो अलग अलग टाइप से किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। मतलब कि भाई जैसे पेरेंट्स में कोई एक टाइप का ब्लड ग्रुप है तो उसके आने वाले जो डॉटर होगा या फिर उसके सन होंगे यानी उनका जो बेटा होगा उसमें किस टाइप का ब्लड ग्रुप होने के चांसेस होते हैं इसको अपन समझेंगे। जो होती है अपने हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा ही था। जैसे कि हेरिडिटी मतलब क्या होता है कि भाई वंश दर वंश जो लक्षण आगे बढ़ते हैं तो भाई जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो भी किस इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, तो मेंडल्स के जो लॉ है उनके अकॉर्डिंग अपन इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप एंड हेरिडिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप एंड हेरिडिटी देखिए। डिटरमिनेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप डिपेंड ऑन थ्री एलेल्स, यानी कि ब्लड ग्रुप को जो समझने वाले जो प्रोसेस होती है वो तीन एलेल्स पे डिपेंड करते हैं, तीन लक्षणों पे डिपेंड करती है। वो तीन लक्षण कौन कौन से हैं? दीज थ्री एलेल्स आर पार्ट ऑफ ओनली सिंगल जीन एंड रिप्रेजेंटेड एज आई ए आई बी एंड आई ओ। ठीक है ना, क्योंकि ब्लड ग्रुप तीन टाइप का होता है ए बी ओ, जिसको अपन कॉमनली ए बी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको जो एलेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है आई ए आई बी और आई ओ। ठीक है ना, क्या है ये? एक तरीके से ये एलेल्स हैं जो सिंगल जीन वाले होते हैं, इनको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? आई ए आई बी एंड आई ओ। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और आई ओ को अपन स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एंटीजन ए। जो एंटीजन ए होता है एंड एंटीजन बी, एंटीजन बी फाउंड ऑन आरबीसीज आर फॉर्मड बाय एलेल्स आई ए एंड आई बी। अब देखें एंटीजन ए जो टाइप का एंटीजन होता है, बी जो टाइप का एंटीजन होता है वो आरबीसी के ऊपर अवेलेबल होते हैं, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। बट इसमें जो एलेल्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? आई ए और आई बी टाइप के। आई ए मतलब ए एंटीजन में पाए जाने वाले, जो एलेल्स होंगे वो कैसे होंगे? एल एल आई ए। बी एंटीजन में पाए जाने वाले एलेल्स कैसे होंगे? एंटीजन एल एल आई बी। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट में पाए जाते हैं। ये तो है लक्षण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ देखिए एल एल आई एंड आई रिमेन रिसेसिव एंड डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ एंटीजन। अब आई और जो स्मॉल आई होता है इस दोनों बात एक ही होती है, तो ये किसी भी टाइप के मतलब जो एंटीजन होते हैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और जो इनका लक्षण होता है वो कैसा होता है? रिसेसिव नेचर का। ठीक है, देखिए टोटल सिक्स टाइप ऑफ जीनोटाइप आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में छह प्रकार के जीनोटाइप पाए जाते हैं। अब वो जीनोटाइप किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, उनको अपन इस टेबल के थ्रू समझेंगे। जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप किस तरीके से हैं उसको अपन समझने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट है अपने पास जो है ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन से पाए जाते हैं? आई ए आई ए, यानी दोनों जो जीनोटाइप होते हैं वो आई ए टाइप के ही होते हैं। और दूसरे हो सकते हैं इसमें आई ए और स्मॉल आई, यानी कि स्मॉल आई में कोई से प्रकार का मतलब एलेल्स नहीं होता है, तो आई ए आई ए वाले भी हो सकते हैं और आई ए आई वाले भी हो सकते हैं। ये किस में होते हैं? ये ब्लड ग्रुप ए में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करें अगर अपन ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी में पाए जाते हैं आई बी एंड आई बी टाइप के कोमा आई बी आई के प्रकार के। तो मतलब ये दो इस टाइप के प्रकार के जो होते हैं वो आई बी ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं। फिर आते हैं अपने पास ए बी। ए बी वाले में आपके पास ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, तो इसमें मिक्स वाले होंगे, यानी कि आई ए एंड बी के लिए आई बी, तो दो अलग अलग टाइप के एंटीजन साथ में होकर के इसमें बनते हैं। फिर आता है ओ ब्लड ग्रुप वाला, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले में किसी भी टाइप के एंटीजन होते ही नहीं है, तो बिना एंटीजन वाले एलेल्स कौन से होते हैं? स्मॉल आई, जिनको अपन ने अभी पहले देखा था। ठीक है, तो ये तो हुए जीनोटाइप्स जो अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप में अलग अलग टाइप के पर्सन्स में। ठीक है, तो ये है टेबल, अपन को ध्यान में रखनी है। आगे देखिए
By taking example, we can understand how the knowledge of heredity in the blood groups can be useful in solving parental controversies. देखिए ये भाई इसके अपन अगर एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, अपन को ये मतलब समझने में बहुत आसानी रहेगी हेरिडिटी को, कि हेरिडिटी इन ब्लड ग्रुप्स, यानी ब्लड ग्रुप में हेरिडिटी किस तरीके से काम करती है, जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका जो ब्लड ग्रुप है उसका क्या योगदान रहता है कि भाई वो आने वाले जो बच्चा है उसमें ब्लड ग्रुप को देने में, मतलब किस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, अगर पेरेंट्स का ये है तो आने वाले बेबी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा हो सकता है, इसको समझने की कोशिश इससे अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए शुरू करते हैं, यहां से अपना एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेट ए बेबी, एक बेबी है मान के चल रहे, ऑन विच टू कपल्स आर डिक्लेयरिंग राइट, मतलब कि अधिकार जमा रहे हैं, दो कपल हैं जो एक बेबी के ऊपर क्या कर रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं कि ये मेरा है बेटा है या फिर ये मेरा है, जैसे कि ये हो गया बेबी और ये हो गए कपल वन एंड ये हो गए कपल टू, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना। हाँ तो देखिए हेड हैज ब्लड ग्रुप्स बी, यानी कि वो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी टाइप का ब्लड ग्रुप है इसका बी। देखिए इन वन कपल, फर्स्ट कपल की बात कर रहे हैं, द ब्लड ग्रुप ऑफ मेल इज ओ, जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप तो कौन से टाइप का है, ओ टाइप का, एंड फीमेल का है एबी टाइप का, जिसके एलर्स क्या होंगे आई ए एंड आई बी। इन अनदर कपल, दूसरे कपल में बात करें तो मेल हैज ए, मेल का ब्लड ग्रुप है ए टाइप का, जो आई ए इसमें एलर्स पाए जाएंगे, एंड ब्लड ग्रुप एंड फीमेल में जो है वो बी टाइप का, यानी कि आई बी और आई वाला इसमें पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू द रूल्स द मेंडल्स इनहेरिटेंस पॉसिबल इन्फेंट्स ब्लड ग्रुप, यानी कि क्या क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स अपने पास आ सकते हैं, तो उसको समझने के लिए अपन देख रहे हैं। देखें फर्स्ट कपल में क्या है, मेल ओ ब्लड ग्रुप का है, सेकंड में जो फीमेल है वो ए बी ब्लड ग्रुप की है, ठीक है ना। तो देखिए अपन शुरू कर रहे हैं, आई ए आई बी इनके एल एस के बीच में जो क्रॉस सेक्शन करवाया जाएगा, क्रॉस करवाने की वजह से जो अपन वो ब्लड ग्रुप टाइप के मिलेंगे उनके अपन से हिसाब से अपन अनुमान लगाएंगे कि भाई जो बेबी है वो फर्स्ट कपल का हो सकता है या सेकंड कपल का हो सकता है। देखिए अगर अपन क्या कर रहे हैं, इसको दो अलग अलग एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई और आई के रूप में, यहाँ पे आई ए और आई बी के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्रॉस कराने का जो मेथड है वो हमें ध्यान रखना होगा, फर्स्ट आई है जो इसके साथ ही मिलेगा, सेकंड इसका जो आई ए फर्स्ट वाला होता है वो इसके साथ आकर के मिलता है, एंड इधर का फर्स्ट और इधर के फर्स्ट को दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बन रहा है आई ए आई, और आई ए आई क्या चीज होती है, ए ब्लड ग्रुप ही होता है। फिर यहाँ पे स्मॉल आई है और यहाँ पे आई बी है, बट यहाँ पे सेकंड टाइप वाला लाने के लिए अपन को इधर का फर्स्ट और इधर से लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट को मिलाया जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट को मिलाया जाता है क्या आ रहा है हमारे पास आई बी आई, इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया है हमारे पास, ब्लड ग्रुप बी। फिर इसी तरीके से यहाँ से फर्स्ट और इधर से लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट को मिलाया आई ए आई ए ब्लड ग्रुप, यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे 50% चांस है कि भाई बी ब्लड ग्रुप हो सकता है और 50% चांस है कि ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कपल में, सेकंड कपल में मेल है जो ए ब्लड ग्रुप का है, फीमेल है बी ब्लड ग्रुप का, तो इनके जो एलेल्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, तो एलेल्स को सेपरेट करने के बाद वापस से इनके बीच में भी क्या करा जाता है क्रॉस। हाँ तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट दोनों को मिलाया तो आई ए आई बी बन गए, फिर इसका अपने पास लिया इसका फर्स्ट और इसका लास्ट तो अपने पास क्या बन रहा है आई ए आई, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में ए बी ब्लड ग्रुप, सेकंड में ए, थर्ड में ए बी और फोर्थ में ए ब्लड ग्रुप मिलता है। थर्ड वाली कंडीशन सेकंड कपल के जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें अगर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लगाते हैं तो अपन को बी ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, बट बेबी कौन से ब्लड ग्रुप का है, बी ब्लड ग्रुप, तो सेकंड कपल का तो वो क्या हो सकता है होने के चांसेस, मतलब उनका बेबी इनका अधिकार जमाने का जो तरीका है वो क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि इनके जो होने वाला बेबी है उसके बी ब्लड ग्रुप होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है,
बट फर्स्ट कपल के बी ब्लड ग्रुप होने के चांसेस है, तो मतलब इन दोनों में से ज्यादा चांसेस फर्स्ट कपल के हैं कि बेबी फर्स्ट कपल का हो सकता है। तो hence first couple to give a birth to child, यानी first couple हो सकता है कि भाई उन्होंने जन्म दिया हो बच्चे को, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है, बी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन मतलब पता कर सकते हैं कि भाई आने वाले जो बेबीज होंगे उसमें अगर पेरेंट्स के अपन को ब्लड ग्रुप दे रखे हैं तो आने वाले बेबीज में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को एक बार कंप्लीट करना है, अच्छी तरीके से पूरे को रीड करना है, कंप्लीट समझना है, कोई भी इश्यू डाउट रहे इसमें तो वापस से एक बार जरूर पूछना है। ठीक है, आज की क्लास हमारी इसी के साथ यहीं ओवर होती है, आने वाले नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स को अपन डिस्कस करते हैं।